सीरियल बालिका वधू सीजन 2 इस हफ्ते कलर्स चैनल पर आने के लिए तैयार है। सब इस सीरियल के लिए काफी एक्साइटेड हैं। ये सीरियल बाल विवाह पर आधारित है और पहले भी इस सीरियल ने लाखों लोगों के दिलों को छुआ था। बालिका वधू सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाले सीरियल में से एक है। शो के सभी कलाकारों के किरदार काफी पसंद किए गए थे। वहीं बालिका वधू सीक्वल 1 की अविका गौर और सिद्धार्थ शुक्ला ने भी अपने अच्छे दिनों को याद करते हुए अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और साथ ही बालिका वधू सीक्वल 2 की नई टीम को बधाई भी दी है। अपने अनुभव को साझा करते हुए सिद्धार्थ शुक्ला, जिन्होंने सीजन 1 में शिव की भूमिका निभाई थी, उन्होंने कहा है कि बालिका वधू मेरी जिंदगी के इम्पॉर्टेंट और खूबसूरत लम्हों में से एक है। मुझे टेलीविज़न इंडस्ट्री से बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरे दिल में इसके लिए एक अलग जगह हमेशा रहेगी। बालिका वधू के साथ हमने एक हिस्ट्री क्रिएट की है और मैं इसके नए सीजन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। पहले भी शो ने लोगों के मन में बाल विवाह को लेकर जागरूकता फैलाने में मदद की थी और आगे भी हमें ये जारी रखना पड़ेगा। मेरी तरफ से बालिका वधू सीजन 2 की पूरी कास्ट को बहुत बहुत बधाइयाँ। वहीं दूसरी तरफ शो के बारे में अविका गौर, जिन्होंने सीजन 1 में छोटी आनंदी की भूमिका निभाई थी, उन्होंने कहा है कि बालिका वधू हमेशा मेरे लिए बेहद ही खास शो रहेगा, क्योंकि इस शो में ना केवल मुझे इतना खूबसूरत किरदार निभाने का मौका मिला बल्कि मुझे लाखों लोगों का प्यार भी मिला। ये सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक इमोशन है जिसके साथ मैं काफ़ी सालों से जुड़ी हूँ। यहाँ हम आपको बता दें कि सुरेखा सीकरी, जिन्होंने बालिका वधू सीरियल में दादी सा का रोल निभाया था, वो दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। अब आगे इस शो में कौन से नए चेहरे देखने को मिलेंगे या ये शो पहले की तरह लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाएगा या नहीं, ये तो शो के आने के बाद ही पता चलेगा। धन्यवाद।